नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें, पात्र किसान अब अपने मोबाइल नंबर के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस नहीं जान पाएंगे। दरअसल स्टेटस चेक करने वाले तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटा दिया गया है। ऐसे में अब देश के करोड़ों किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के भी लाखों किसानों पर इसका असर पड़ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर किसानों को 10वीं किस्त जारी की थी। योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन अब अगली किस्त के लिए किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीएम किसान पोर्टल में पात्र किसान अब अपना स्टेटस मोबाइल नंबर पर नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें, देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं, इनमें छत्तीसगढ़ के करीब 30 लाख किसान शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक पंजीकृत किसान अब पीएम किसान के पोर्टल में अपना स्टेटस, आवेदन की स्थिति, बैंक खाते में कितने पैसे आए और कब आए, इसकी जानकारी पहले खुद चेक कर सकते थे, लेकिन नए बदलाव के बाद अब स्टेटस चेक करने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर का ऑप्शन हटा दिया गया है। किसान अब अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट के जरिए ही स्टेटस चेक कर पाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसान सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सरकार को पुरानी सुविधा फिर से चालू करनी चाहिए। आपको बता दें, किसानों को मोबाइल नंबर के जरिए स्टेटस चेक करने में आसानी होती थी। ऐसे में सवाल ये कि क्यों केंद्र सरकार ने ये सुविधा बंद कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस सुविधा को बंद करने के पीछे का कारण क्या है। दरअसल पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों की जरूरी जानकारियों को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है, और इसी की वजह से इस योजना में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।